सबसे पहले सभी को जय हिंद, जय सर, जय हिंद साथियों। और मैं आशा करता हूं सभी लोग खुश होंगे। यस सर। अभी शाम को कितनी क्लास स्टार्ट हुई थी? 8 बजे। कितने बजे बंद हुई? 11 बजे बंद हो गई। 11 बजे बंद हुई। अब मैं ये बोलना चाहूंगा सभी भाइयों को, बस मेरा मतलब है आप लोग को मोटिवेट करना, आप लोग को रास्ता बताना। और जब आप लोग ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा हो गया, थकान फील हो रही है, उस समय आपको मनोरंजन करवाना। जीवन एक संघर्ष है और इंसान को हर परिस्थिति के साथ में खेल खेलना चाहिए। कोई भी बंदा 10 घंटा या 20 घंटा या 15 घंटा मेहनत करता जा रहा और जब उसको मनोरंजन नहीं करवाएंगे ना बाबू, तो बहुत ज्यादा थकान फील करेगा। बात समझ आ रही? लेकिन मैं सभी को सलाम करता हूँ, आप सभी को, सभी अग्निवीर योद्धा को मैं विश्वास दिलाता हूँ साथियों। बात YouTube की नहीं है, बात वीडियो की नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूं। आज सुबह आप सभी को 5 बजे उठा दिया था। Yes, sir. 5:30 ग्राउंड पहुंच गए थे। Yes, sir. पहुंचे थे। Yes, sir. 7:30 बजे आपको ग्राउंड छोड़ दिया था। Yes, sir. 8 बजे वापस क्लास में आए थे। Yes, sir. 12 बजे छुट्टी करी थी। Yes, sir. 1 बजे छुट्टी करी थी। 1 से 2 के बीच में खाना खाया। Yes, sir. रिवीजन करा, पढ़ाई करा, जो भी करा। Yes, sir. 4:30 बजे वापस आपको जगा दिया था। Yes, sir. 5 बजे ग्राउंड पहुंच गए थे। Yes, sir. 7 बजे छुट्टी करी। Yes, sir. 7 और 8 के बीच में खाना खाया। Yes, sir. 8 बजे क्लास में आए। Yes, sir. और टाइमिंग दोस्तों अब देख लीजिए आप। मैं विश्वास दिलाता हूँ साथियों सभी को, कभी इसी तरह आप सभी ने मेहनत करिए और अपनी बॉडी का 100% दिया। मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, भर्ती चाहे कहीं की भी होगी, हरियाणा हो या पंजाब हो या राजस्थान हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, रिटर्न टेस्ट आप क्लियर क्वालिफाई करोगे। मैं लिख दे रहा हूं, आप ये नहीं है। लोग बोलते हैं कि जो बंदा आर्मी की तैयारी करते हैं वो केवल दौड़ में अच्छे रहते हैं, फिजिकल में अच्छे रहते हैं, लेकिन आज दोस्तों मैं जो देख रहा हूं, जिसके अंदर जुनून होता है ना दोस्तों, जोश, जुनून, जज्बा, चाहे रिटर्न क्लियर करवा लो चाहे फिजिकल क्लियर करा लो, मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों इंडोर फिजिकल अकेडमी में प्रत्येक बंदा फौजी बनेगा। सभी लोग अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि जब शुरुआत होती है या नए नए बच्चे होते हैं तो हताश हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों सपने उन्हीं के सच होते हैं, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो बंदा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दिन रात एक कर देता है। और कहते हैं दोस्तों कि रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, अरे थक कर ना बैठिए, मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलेगा मंजिल। हमेशा मोटिवेट, बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो, हमेशा सोचो कि मैं कर सकता हूं। कभी माइंड में, दिमाग में, शरीर के अंदर ये नहीं होना कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं कर सकता हूं, पीछे रख जाओ, मेहनत करो। मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों एक दिन आप अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर करेंगे। बहुत बड़ी बात है कि रात्रि कालीन 11:30 बजे तक पढ़ रहे हैं, 12 बजे तक पढ़ रहे हैं। बात समझ रही हो? मेहनत करो सभी को, ढेर सारा प्यार सभी को, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। मैं बोलना चाहूंगा वीडियो को आज पटक दो, वीडियो से मतलब नहीं, मैं दिल से बोल रहा हूं, भगवान की कसम दिल से बोल रहा हूं। अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे नहीं टिक पाते हैं। आप खुद देख लो कि 5 बजे उठे थे, कितने बजे उठे थे? 2 घंटा ग्राउंड को दिया, 8 से 1 पढ़े, कितना घंटा हो गया? 5 घंटा पढ़ाई करी रेगुलर, 1 घंटा खाना खाया, झूठ पढ़ा, आपने जो भी करा, ग्राउंड गए 2 घंटा गए। Yes, इसके बाद जब वापस 8 से 12 तक पढ़े, आप 11 तक पढ़े, समझ लो। मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, रियली बोल रहा हूँ, मैं बार बार रियली बोल रहा हूँ। मेरा काम आपको मोटिवेट करने का, मेरा काम आपको रास्ता बताने का, और मेरा काम हमेशा आपको
सकारात्मक सोच दिलाने का। हर बंदा फौजी बनेगा, मैं बोल रहा हूँ हर बंदा फौजी बनेगा, लेकिन डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए कामयाब हो जाओ जो लोग आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं, नाकामयाब देखना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलता, वो मंजर देखो। जब आप अपनी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करके अपने घर पर आओगे और आपके माँ बाप को बड़ा गर्व होगा कि मेरा सिर आ गया, और जो सर का ताज आप इंडियन आर्मी की जो टोपी आप अपने माँ बाप को पहनाओगे तो कितना गर्व होगा आपके माँ बाप को। आपके माता पिता का सीना एकदम चौड़ा हो जाएगा कि ये परमात्मा इसी औलाद सबको दे, इसी औलाद सबको दे। मेहनत करो, ये जो जवानी है, ये जो उम्र है 21-20-17-18 साल की जो उम्र है ना, जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा आपका सर स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही ज्यादा आपको ज्ञान प्राप्त होगा। समझ लो, कभी थकान फील नहीं होती इस उम्र में। ये खून आपका उबलता हुआ है, ये खून क्या है आपका उबलता हुआ। जितना यूज करोगे, जितना ज्यादा यूज करो उतना कर लो। समझ लो बात को, हमेशा भी पॉजिटिव और शरीर में ताजगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गलत मत सोचो किसी के बारे में, गलत मत करो किसी का, हमेशा भी पॉजिटिव हो रहा, हमेशा भला करो लोगों का, परमात्मा आपका भला करेगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाय नी उड़ावड़ी को, 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 उड़ावड़ी को।